समझ सकते हो? प्लीज 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 चलो बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग, जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि आप सभी लोग से बहुत दिन हो गया कोई बातचीत भी नहीं हो रहा है और मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला। ऑलमोस्ट 15 डेज से ज़्यादा हो गया कोई वीडियो नहीं आ रहा है और सभी भाई लोग मुझे इंस्टाग्राम में DM कर रहे थे कि भैया वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो गाइस वीडियो ना आने का रीज़न वैसे कुछ था नहीं, जस्ट थोड़ा काम में बिजी थे और थोड़ा बाहर में थे, इसीलिए वीडियो हम दे नहीं पाए। तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन गैस अब फिर आ गए हैं मोटर प्लंग के ऊपर, तो अब से फिर तबाही वाला वीडियो आने वाला है। तो आप लोग जैसे प्यार दिखा रहे थे वैसे ही प्यार दिखाते रहो और भाई को चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि आप लोग का प्यार आप लोग का सपोर्ट हमेशा चाहिए मुझे। तो गाइस यस आज निकल चुके हैं ऑलमोस्ट 15 दिन बाद अपना जेडी को लेकर, और इसको चलाकर जो सुकून मिल रहा है ना, क्या बताऊँ यार। इतना दिन से बाइक नहीं चला रहा था, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या किया जाए, बिजी जो होता है कि थोड़ा डिले हो जाता है। तो गाइस अभी बज रहा है 4:30। तो गाइस अभी जा रहे हैं, थोड़ा काम है मेरा 2-3, तो इसमें जो एग्जॉस्ट हम लगाए थे उसके बाद, ओ भाई साहब ये तो भयानक सा ट्रैफिक है, ये तो होना नहीं था। ये देखो ट्रैफिक, पूछो मत, अभी से रिएक्शन चालू। तो गाइस जो बोल रहे थे इसमें जो मैं एग्जॉस्ट डाला हूँ उसके बाद ना एयर फिल्टर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो जो फ्लो होता है ना एग्जॉस्ट को सही से आता नहीं है। तो उसको एक बार इंस्टॉल कराऊंगा अपना आदर्श भैया का पास। और एक भाई है तो इंस्टाग्राम में बहुत दिन पहले भाई मुझे मेल किया था, भाई का आज बाइक का डिलीवरी भी है, तो इसी रास्ते पर होगा और शोरूम भी इसी रास्ते पर है। तो एक बार वहाँ पर जाएंगे, शोरूम भी विजिट कर लेंगे और एक बार भाई का डिलीवरी में शामिल रहेंगे, तो भाई को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है आने के लिए। तो गाइस यार इतना दिन उसे निकाले नहीं थे और देखते हैं, इसका साउंड भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तो सीधा में थोड़ा सा स्पेस मिला है। মানে ওই বাইক বাইকটা এটা দেখে ঢুকে দিই স্যার। হ্যাঁ বাইক লেন তো নয় ওটা, ফার্স্ট টাইম আসলে স্যার এটা দিয়ে আসি তো মানে একটা অভ্যেস হয়ে গেছে বলে খেয়াল করতে হয় না। আপনি এটা দিয়ে যাতায়াত করি এই বাইক থেকে ঢুকে বন্ধ হয়ে গেছে, দু মাস হয়ে গেল। তাহলে আমার ভুল হয়ে গেছে, দু মাস হয়ে গেল, এটা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে, 6 নম্বর এবং 9 নম্বর লেন নির্ধারিত হয়ে গেছে। এইটা না লাস্ট স্যার, 6 নম্বর লেন এই যে মোটরসাইকেল, এইটা না একদম লাস্ট স্যার, দুদিকেই তাই, কলকাতার দিকেও তাই, হাওড়া দিকেও তাই। ভুল হয়ে গেছে স্যার, দেওয়া হয়েছে বড় বড় করে ডিসপ্লে করা হয়েছে, ফেসবুক নোটিফিকেশন পোস্ট করা হয়েছে, হ্যাঁ একদম ভুল হয়ে গেছে স্যার, সোশ্যাল মিডিয়ায় পাবলিশ করা হয়েছে, পেপারে নোটিফিকেশন পাবলিশ হয়েছে, তারপরে যদি আপনাদের টেক্স সেভি ছেলেরা যদি এই রকম ভুল করে না না স্যার, এক্সপেক্টেড নাই। আপনারা গভর্নমেন্ট নাম্বার প্লেটটা কোথায় গেল, যেটা গভর্নমেন্ট থেকে পেছনে আছে স্যার, সামনে লাগানো জায়গা কোথায়, সামনে জায়গা কোথায় দেখুন, এত বড় গাড়ি জায়গা নেই, ওই জন্য স্যার যাতে আপনাদের কোনো অসুবিধা না, যেন সামনে নাম্বারটা লেখা আছে, আর পেছনে স্যার আছে, পেছনে আছে গভর্নমেন্টে আছে পেছনে। হ্যাঁ 90 নোটিফিকেশন হয়ে গেছে, 90 2000 টাকা ফাইন, 2000 টাকা ফাইন আমরা করব না, অ্যাজ আ ওয়ার্নিং 5150
স্যার একটা ছোট ভাই হিসাবে একটা ক্ষমা হবে না? আপনি সিসিটিভিতে নিজে ভুল করেছেন, নিজের ইচ্ছায় ভুল করেছেন, রোড ওদের দেওয়ার দায়িত্ব ওরা দিয়েছে, পালন করার দায়িত্ব আপনার, আপনি পালন করেননি, আমার তো কিছু করার নেই। আমি নোটিশ করিনি, হ্যাঁ স্যার ঠিক একদম, আপনার তো বলতে হবে যে এখানে তো আপনার কেয়ারলেসনেস রয়েছে। নোটিশ করলে আমি ওটা দিয়ে আসতাম, এটা দিয়ে এলাম আমি ওটা দিয়ে চলে যেতাম। আয়রন ব্যারিয়ারগুলো রয়েছে, এটা প্রবলেম কি? না না সিরিয়াস, আমি যে নোটিশ করতাম ওটা দিয়ে আসতাম, আমি এটা দিয়ে কেন আসতাম? বিশাল প্রজাপতি নানা গাড়ি আছে। আপনি কে? আমারই গাড়ি। আপনি বিশাল প্রজাপতি? হ্যাঁ। पकड़ लिया, मुझे पता नहीं था। स्पॉट ऑनलाइन ही वैसे स्पॉट की जॉब है ना? मोबाइल में मैसेज है सर? लेन चेंजिंग विदाउट सिग्नल। ठीक है पाटिल। मतलब यार कुछ भी मुझे पता नहीं था, हमेशा इधर से ही आते थे बाइक लेके, इतना दिन आए नहीं तो बोल रहा था ये लेन या तो लास्ट वाले लेन, तो इस लेन से जाना चाहिए था और उधर भी हो इस लेन, तो गाइस यार ऑलमोस्ट शोरूम के पास आ चुके हैं और देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पर ये शोरूम अभी जाते हैं और आप लोग देखिए पुलिस वाले ऑफिसर ने बाट लगा दिया, सूखा सूखा गया 500 मेरा। तो कंग्रेचुलेशन गाइस, ये रहा खुशी का पल। প্লিজ 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 এখানে থাকো, এখানে থাকো, এখানে থাকো। আরে গোপ্রো, আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে, এদিকে লেখা আছে, দেখো এদিকে আসো, এই দেখো, ঠিক আছে দেখবে তো তুমি, ভিডিওতে আসবে। ওকে টাটা বাই। দেখ রে ও বচ্চে লোক কো প্যার প্যার, कितना अच्छा लगता है बच्चे लोग के फेस पे ये सब स्माइल देख कर। तो गाइस यार अभी जा रहे हैं और जा नहीं रहे, आ चुके हैं हम लोग आदर्श भैया का पास। A few moments later। तो गाइस यार ये रहा बीएमसी के एयर फिल्टर और ये रहा एग्जॉस्ट, तो इसका लगाने से क्या फायदा है बसंत भाई? मतलब एग्जॉस्ट का जो फ्लो है वो फ्लो और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और पटाखा पटाखा, लेकिन पटाखा अभी हम देंगे और तुम वहाँ पर अपना कान देना, ठीक है? जब एग्जॉस्ट लगाए थे उस टाइम के जैसा हुआ था, ठीक है? ऑडियंस बहुत पसंद करता आपका रिएक्शन। तो गैस ये भी लग रहा है बीएमसी के एयर फिल्टर और ये लाइफ टाइम रहेगा, तो एग्जॉस्ट चेंज करने पर लगाना पड़ता है, कॉस्टली में आता है बहुत, लेकिन तब पर भी ये लगाना चाहिए। तो गैस यार इसमें अब बीएमसी का एयर फिल्टर लग चुका है और अब तो गजब का फ्लेम आएगा, लेकिन अभी तो है नया तो इसीलिए अभी नहीं आएगा, लेकिन जितना यूज टू हो जाएगा उसके बाद से जरूर आएगा। तो आप लोग के पास साउंड सुना, तो आप लोग साउंड सुनो, ओ भाई साहब साउंड और भी बहुत ज़्यादा गजब हो चुका है। और ये रहा बाइक मेरा जेडी, तो देखते हैं कैसे क्या परफॉर्मेंस देता है नहीं देता है। तो चलिए गाइस अभी निकलते हैं।
तो गाइस यार आदत भैया का पास काम करते करते बहुत ज्यादा लेट हो गया। मैं सोचा था कि 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन वहां पर ही 2.5 घंटा लग गया।